This guy is famously known as Mr. Indian Hacker. He has 40 plus million subscribers across YouTube and gets hundreds of millions of views every single month by fooling YouTube. मतलब literally चाहे long videos हो या shorts हो, दोनों type के content पे he gets millions and millions of views. Even कि इनके एक short video पे तो 115 million से भी ज़्यादा views आ चुके हैं. तो सवाल है कि what does he do differently कि इनकी हर video viral हो जाती है? कहीं इन्होंने YouTube पे viral जाने का कोई formula तो क्रैक नहीं कर लिया? बस इसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने इनके 300 से ज्यादा वीडियोस देखे एंड आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस आई हैव बॉइल्ड डाउन हिज वायरल फॉर्मूला टू 4 स्टेप्स एंड द फर्स्ट वन इज वैरायटी इन कंटेंट. नाउ जहां एक तरफ ज्यादातर चैनल्स पे एक ही टाइप का कंटेंट मिलता है, वहीं मिस्टर इंडियन हैकर के कंटेंट को कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनके चैनल पे आपको कंटेंट का एक पूरा रेंज मिलेगा, जैसे एक्सपेरिमेंट वीडियोस, चैलेंजेस, प्रैंक्स, फायरक्रैकर्स वाले वीडियोस, ड्रैग रेस, कार रिव्यूज, वी मेड सीरीज एंड सो ऑन. बट एक चीज जो इनके ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में कॉमन मिलेगी वो है एंटरटेनमेंट. यानी कंटेंट चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, उसमें एंटरटेनमेंट भरपूर होता है. अब अगर किसी चैनल पे कंटेंट में इतनी वैरायटी हो और उस पे भी वो एंटरटेनिंग हो, तो इट सीम्स वेरी ऑब्वियस कि उस चैनल पे मिलियंस में व्यूज आएंगे. एंड दैट्स व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग विद मिस्टर इंडियन हैकर. बट हियर इज अ ट्विस्ट एंड दिस ट्विस्ट टेक्स अस टू द सेकंड स्टेप, दैट इज मिस्टर इंडियन हैकर इज अ मल्टी डायनेमिक क्रिएटर. मतलब जहां मोस्टली क्रिएटर्स एक टाइप के वीडियोस बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, वहीं मिस्टर इंडियन हैकर यानी दिलराज भाई डिफरेंट कैटेगरीज में भी प्रोफेशनल एंड एंटरटेनिंग कंटेंट बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इन दोनों वीडियोस की कैटेगरीज बिल्कुल अलग हैं. इसमें से ये एक एक्सपेरिमेंट वीडियो है और ये प्रैंक वीडियो. पर जब आप इन वीडियोस को देखोगे तो आपको इनकी प्रेजेंटेशन में ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, बिकॉज एंटरटेनमेंट इन वीडियोस में की फैक्टर है. इसके अलावा मिस्टर इंडियन हैकर के वीडियो सिंपल बट हैपनिंग होते हैं. मतलब वीडियो में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग होता रहता है, तो वीडियो काफी ज्यादा एंगेजिंग भी होती है. अब अपने मोबाइल या पीसी स्क्रीन पे देखने से ये वीडियोस बहुत सिंपल लग सकते हैं, बट लेट मी टेल यू दे आर नॉट सिंपल एट ऑल. जैसे इस वीडियो में दिलराज भाई लकड़ी का यूज करके बाइक चलाने वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फर्स्ट ग्लांस में ऐसा लग सकता है कि ये वीडियो फेक होगी. मतलब लकड़ी से आखिर बाइक कैसे चलाई जा सकती है? लेकिन जब आप इस वीडियो पे क्लिक करके देखोगे तो एक्चुअल में इन्होंने पहले लकड़ी को वुडन गैस में कन्वर्ट किया है और फिर उसका यूज करके बाइक चलाई है. अब YouTube पे कुछ गिने चुने क्रिएटर्स ही हैं जो इस तरह के वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए आपको बहुत इंटेंसिव रिसर्च करना पड़ता है, ट्रायल्स करने पड़ते हैं, वो टूल्स या इक्विपमेंट्स जो एक्सपेरिमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनका जुगाड़ करना पड़ता है, और बहुत सारे ट्रायल्स एंड फेलियर्स के बाद फाइनली इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है, तब जाके आप उस पे वीडियोस बनाते हैं. जैसे इसी वीडियो को बनाने के लिए दिलराज भाई को कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है, इसके बारे में उन्होंने खुद बताया है. क्या आप यकीन करोगे भाई, लकड़ी से गाड़ी चलेगी, पेट्रोल की जगह हम लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे. अब तो आप भी ये कहेंगे कि भाई यार क्या आप पागल हो गए हो, बोला यार लकड़ी से गाड़ी कैसे चलेगी. लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम इससे इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करने वाले हैं. तो गाइस यार लगातार एक महीने तक रिसर्च करने और कई बार कई दिनों तक रेगुलर ट्रायल्स, रिसर्च, नाकामी, कामयाबी, कई सारे एरर्स के साथ में हमने इस चीज को पॉसिबल कर दिया है. और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वही चीज दिखाने वाले हैं. लगभग 10 दिन से मेरे हाथ ऐसे ही हैं, मैं नहाया तक भी नहीं हूँ. महीने भर से रिसर्च की है, तब जाके आज के इस वीडियो के अंदर हम इस बाइक को लकड़ी से चलाएंगे. अब देखिए, हार्ड वर्क तो बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं और बहुत अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, लेकिन वो मिस्टर इंडियन हैकर जितने सक्सेसफुल तो नहीं होते. तो इसका मतलब है कि दिलराज भाई कुछ तो एक्स्ट्रा करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते. एंड हियर कम्स स्टेप नंबर 3, दैट ही इज सिंपली अ यूट्यूब जीनियस. Now let me explain. Normally क्या होता है कि ज्यादातर क्रिएटर्स एक वीडियो बनाने के बाद दूसरा सही टॉपिक ढूंढने के लिए काफी टाइम लगाते हैं, जबकि दिलराज भाई रेगुलर वीडियोस तो बनाते ही है, लेकिन साथ में वो कई सारे फ्यूचर वीडियोस की प्रिपरेशंस भी पहले से कर रहे होते हैं. एंड दैट्स व्हाई ही इज कंसिस्टेंटली एबल टू प्रोड्यूस वायरल वीडियोस. जैसे इस वाटरमेलन वाले वीडियो की प्लानिंग उन्होंने 6 मंथ्स पहले और ये बैरिड कार वाले वीडियो की प्लानिंग 3 मंथ्स पहले से कर ली थी.
और ये चीज आपको कई सारे सक्सेसफुल क्रिएटर्स में देखने को मिलेगी कि वो बहुत सारे फ्यूचर विंडोज की प्लानिंग पहले से कर रहे होते हैं। इसके अलावा दिलराज भाई की एक और स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि जिन टॉपिक्स पे उनके वीडियोस वायरल होते हैं या उनपे ज्यादा व्यूज आते हैं, उन्हें सिमिलर टॉपिक्स पे वो कई सारे और वीडियोस बनाते हैं। जैसे जब ये रनिंग बाइक यूजिंग वाटर वाली वीडियो वायरल हुई थी तो उन्होंने सिमिलर टॉपिक पे और भी कई सारे वीडियोस बनाए, जैसे रनिंग बाइक बाई एल्कोहल वुड डिओड्रेंट इटीसी। इसके अलावा हाउ टू ओपन अ लॉक विदाउट की वाले टॉपिक पे भी इन्होंने कई सारे वीडियोस बनाए, एंड दैट शोज कि हाउ वेल ही अंडरस्टैंड्स द यूट्यूब गेम। नाउ वन मोर थिंग दैट मिस्टर इंडियन हैकर डज बेटर देन मोस्ट क्रिएटर्स इज दैट ही मेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू एंगेज एंड कनेक्ट विद हिज ऑडियंस। जैसे वो अपनी ऑडियंस को टाइटेनियम आर्मी बुलाते हैं, उनको लाइक एम्स देते हैं, उस पे प्रोमिसेस करते हैं और लाइक एम्स पूरे हो जाने के बाद वो प्रोमिसेस पूरे करते हैं। जहाँ पर बाकी दुनिया बस एक दूसरे की कॉपी करने में लगी हुई है, वहीं पर सिर्फ टाइटेनियम आर्मी और उसका जो चैनल है मिस्टर इंडियन हैकर, यहीं पर आपको यूनिक और नई चीजें देखने को मिलती है। ये चीज टाइटेनियम आर्मी अच्छी है। ऑडियंस से फ्रीक्वेंटली एंगेज करना YouTube जैसे कंपेटिटिव प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे आपका ऑडियंस बेस स्ट्रॉन्ग भी होता है और बड़ा भी होता है। इसके अलावा मिस्टर इंडियन हैकर के वीडियो पे थंबनेल्स काफी सिंपल और अनप्रोफेशनल होते हैं। अब वो ऐसा जानबूझ के करते हैं ताकि थंबनेल्स देखने में ऐसे लगे कि वो वीडियो का ही कोई फ्रेम है। जैसे इनके मेजोरिटी थंबनेल्स में वो ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में वीडियो है और साथ में इनका फेशियल रिएक्शन होता है, तो इससे इनके थंबनेल की एक तो ब्रांडिंग हो जाती है और साथ में ये ऑब्जेक्ट टाइटल को कॉम्प्लीमेंट करता है, तो इससे थंबनेल और भी ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है। जैसे इस वीडियो का टाइटल है आई हायर्ड 50 फेक फोटोग्राफर्स एंड थंबनेल में बहुत सारे फोटोग्राफर्स दिखाए गए हैं, तो इससे थंबनेल और भी ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है एंड दैट मेक्स मोर पीपल क्लिक ऑन इट। नाउ जब लोग वीडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो में बहुत सारे फोटोग्राफर्स होते हैं एंड दैट्स व्हाई पीपल एंड अप वॉचिंग द वीडियो फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस, जिससे ऑडियंस रिटेंशन बढ़ता है और वीडियो की लेंथ ज्यादा होने की वजह से उस पे वॉच टाइम भी ज्यादा आता है। तो अब अगर किसी वीडियो का CTR अच्छा है, ऑडियंस रिटेंशन अच्छा है और उस पे वॉच टाइम ज्यादा आया है, तो उस वीडियो के वायरल होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं एंड दैट्स व्हाई हिज वीडियोस गो वायरल वेरी ऑफन। नाउ जब YouTube पे कोई इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है तो उसपे एक्सपोज वीडियोस ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई वॉज रियली शॉक्ड व्हेन आई फाउंड आउट कि मिस्टर इंडियन हैकर के ऊपर एक दो एक्सपोज वीडियोस ही बने हैं जो कि अपनी जगह पे सही थे, बाकी इनके अगेंस्ट ना तो हेट वीडियोस बनी है और ना ही किसी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में इनका नाम है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हिज सिंपल एंड फ्रेंडली पर्सनैलिटी एंड दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ हिज सक्सेस ऑन YouTube। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग आपकी पर्सनैलिटी से ही कनेक्ट होते हैं। अगर आप एरोगेंट, मैनिपुलेटिव या वॉयलेंट होंगे तो लोग इस तरह के पर्सनैलिटी ट्रेट्स को पसंद नहीं करते हैं, और इन्हीं ट्रेट्स की वजह से हमने कई सारे यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के करियर बर्बाद होते देखे हैं। बट मिस्टर इंडियन हैकर ना सिर्फ पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स शो करते हैं बल्कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, अपने काम को लेकर पैशनेट है और ये सब उनके कॉन्टेंट में, उनके वीडियोज में दिखता है। तो अगर आप इन चारों स्टेप्स को या चारों पॉइंट्स को कंबाइन कर दो तो मिस्टर इंडियन हैकर के यूट्यूब पे इतने ज्यादा सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और क्या अमित भड़ाना का डाउनफॉल आ गया है, इस पे मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।